हेलो एवरीवन वेलकम टू आईएफएस चलिए जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए हेलो सौरबान जी वेरी गुड इवनिंग टू यू चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए एक बार जो जो अभी प्रेजेंट है मुझे बता दीजिए एम आई ऑडिबल टू यू एंड विजिबल टू यू आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं आप एक बार बता दीजिए मुझे वेरी गुड इवनिंग गायत्री जी गायत्री जी आप एक बार मुझे बता दीजिए एम आई ऑडिबल टू यू लिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए तो फिर हम आज का अपना सेशन जो है शुरू कर सकते हैं ठीक है एक बार सभी को कनेक्ट हो जाने दीजिए फिर हम आज का अपना सेशन करते हैं ओके तब तक के आप क्या करिएगा आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है आप इस सेशन को लाइक कीजिए इस लिंक को ज्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच ताकि वो भी इस सेशन का फायदा उठा सकें ठीक है और काम मत भूलिएगा वो है आपने चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है घोष गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग जी चलिए फटाफट शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जल्दी से जुड़ जाइए तो हम क्या कर सकते हैं आज का हमारा सेशन जो है शुरू कर सकते ठीक है थीके? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चंस को आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ केमिस्ट्री कह रहे हैं सर जैम की इनऑर्गेनिक्सर जी वेरी गुड इवनिंग ठीक है चलिए तो ऑलमोस्ट सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं तो आपको बता दूं मैं आज आपके लिए लेके आया हूं के 2017 क्वेश्चन पेपर और उसमें हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे आपके इनऑर्गेनिक पोर्शन को ठीक है जानते हैं किस तरीके से आपको टू थाउजेंड गेट क्वेश्चन पेपर में इनऑर्गेनिक पोर्शन देखने को मिलेगा ठीक है उनकी डिफिकल्टी लेवल की <coughs> उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या होगी साथ ही साथ जानेंगे कि उसके आसपास जो कॉन्सेप्ट अभी बाकी हैं वो किस तरीके से आपको पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में आगे आने आने वाले ठीक है चलिए अनम जी कह रहे हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग अरिम जी वेरी गुड इवनिंग <coughs> ठीक है चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं ओके सुनाओ यस तो एक अनाउंसमेंट थी आपके लिए हम ला लेकर आए हैं आपके लिए क्रैश कोर्स ठीक है हम लेकर आए हैं आपके लिए सी एस आर नेट केमिकल साइंस का क्रैश कोर्स जो आपके रिसेंटली अभी जनवरी ट्वेंटी नाइन को बताया गया है कि एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स अनाउंस किया है तो जिस किसी को भी इंटरेस्टेड है वो क्या कर सकते हैं इच बैस में एनरोल कर सकते हैं ठीक है चलिए स yes. और हमारे ऐप के फीचर्स क्या क्या है लाइव सेशन होंगे आपको लाइव इंट्रैक्शन करने में मिलेगा वन टू वन डेली फैकल्टी के साथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन चैट का आपको ऑप्शन मिलेगा टीचर्स सैंड आउट मिल सकेंगे वीडियो एंड ऑडियो डाउनलोड कर सकेंगे आप सपोज़ तो कीजिए आपने एक बार वीडियो देख लिया है बस आपको क्या करना है बैठे बैठे रिवाइज करना है तो आप क्या कर सकते हैं ऑडियो के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं ठीक है रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे डेली आपको डी मिल जाएगी ओके चलिए ओके तो ये है आपका पहला क्वेश्चन आपके गेट 2017 क्वेश्चन पेपर से चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या कहता है द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर द क्रोमियम आयन ठीक है ये आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया है इसमें आपको क्या बताना है जो आपके क्रोमियम आयन के लिए मुझे ग्राउंड से टर्म सिंबल मिलेगा उसके बारे में हमें बताना है ठीक है चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको क्या बताना है सही ऑप्शन बताना है तो ना सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन में अगर आप देखोगे यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लीसिटी थ्री है थ्री है थ्री है, है और फाइव ठीक है यहाँ पर अगर सपोज कीजिए इन तीनों में से कोई आपका आंसर आ जाता है और सबसे पहले आप क्या करते हैं स्पिन मल्टीप्लीसिटी फाइंड करते हैं तब तीन स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिल रहे हैं तो आगे आपको यल वैल्यू भी खोजनी पड़ेगी तो उससे अच्छा है कि आप सबसे पहले क्या करें एल की वैल्यू कैलकुलेट करें ठीक है चलिए अब मेरा यहाँ पर क्या दिया है मुझे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स दिया है उसके अनुसार हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे ठीक है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे पास क्या है क्रोमियम है क्रोमियम की चार्ज क्या आ रही है यहाँ पर प्लस टू चार्ज आ रही है क्रोमियम पे क्या आ रही है प्लस टू की चार्ज आ रही है ओके okay. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा ये ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज है अब ये यहाँ पर देखोगे ये क्या है आपके पाए एक्सेप्टर है पाए एक्सेप्टर है ठीक है पाए एक्सेप्टर लिगैंड किस तरीके से होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ठीक है हम इसको क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चलिए बहुत बढ़िया राजेश कुमार जी का आंसर आया है डी गायत्री जी ने भी डी ऑप्शन को चुना है चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और क्या आपको जो आपने ऑप्शन बताया ऑप्शन डी वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है ठीक है चलिए अब मुझे पता चल गया है कि ये क्या है मेरा पाई एक्सेप्टर लिगेंड है जो कि क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है इसके प्रेजेंस में मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे पेयर हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपना ऑर्बिटल स्प्लिटिंग निकालना है ठीक है यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी और ये क्या हो जाएंगे टी टू जी और ई जी सेट में डिफरेंशिएट या फिर स्प्लिट हो जाएंगे अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास क्या है सी आर फोर टू प्लस है इसकी क्या रहती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन या फिर डी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो आ जाती है डी फोर ठीक है अब ये क्या है हमने बताया पाई एक्सेप्टर लिगैंड है तो ये किस तरीके से रहेगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा यानी सभी पहले यहाँ पर क्या होंगे लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी ठीक है इस तरीके से फिलिंग होगी ना यहाँ पर चाहे आप प्लस दे दो या फिर माइनस दे दो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा आंसर सिमिलर ही मिलेगा ठीक है प्लस वन प्लस टू ठीक है आप यहाँ पर प्लस टू प्लस वन जीरो इस तरीके से भी लिख सकते हैं ठीक है अल्टीमेटली आपको क्या करना होता है एल की वैल्यू मॉड में लेनी होती है ठीक है वो भी हम देखेंगे कुछ क्षणों में चलिए सबसे पहले क्या करते हैं एल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एल की वैल्यू देखें आप अगर तो क्या आ जाएगी दो इलेक्ट्रॉन्स की माइनस टू आ रही है माइनस टू माइनस टू ठीक है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आ रही है माइनस वन और एक इलेक्ट्रॉन की क्या है ज़ीरो ठीक है प्लस कर दीजिए यहाँ पर कितने आ जाएंगे टू टू वन यानी फोर और यहाँ पर मॉड लगाए तो आपको क्या करना होगा नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करना होगा तो ये आ जाएगा फाइव ना अगर आप देखेंगे यहाँ पर ठीक है अगर आप यहाँ पर देखोगे मैं यहाँ पर लिखूँगा एल की वैल्यू और उसके लिए जो तो टर्म सिंबल आ सकता है मेरा उसके रिस्पेक्टिव वो भी देखेंगे अगर एल की वैल्यू जीरो आती है तो ये आ जाएगा एस वन आती है तो ये आ जाएगा पी टू आ गई तो ये आ जाएगा डी थ्री आ गई तो ये आ जाएगा एफ और सिमिलरली फोर आ गई तो यहाँ पर क्या आ सकता है डी आ जाएगा और अगर फाइव आ गई तो इसके लिए मुझे मिलता है एच अब यहाँ पर कितनी है एल की वैल्यू फाइ है तो मेरे लिए क्या आ जाएगा एच सिम्बॉल आ जाएगा तो इससे क्या पता मुझे चला कि यहाँ पर एल की वैल्यू फाइ है तो इसके लिए क्या आ जाएगा एच सिंबल आ जाएगा ठीक है अब ये बात क्लियर हो गई अब आपको क्या करना है बस स्पिन मल्टीप्लीसिटी फाइंड करनी है सबसे पहले आपको क्या करना होगा टू एस प्लस वन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है स्पिन कैलकुलेट करनी है टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन यह है आपका प्लस ऑफ अगर यहाँ पर फील्ड दिखे तो प्लस हाफ ले लीजिए यहां पर एक डाउन फील्ड है तो इसकी क्या आ जाएगी माइनस हाफ आ जाएगी ठीक है ये ही आपके दो वैल्यूज है जो आपके इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं या तो प्लस हाफ हो सकती है या फिर माइनस हाफ हो सकती है नौ यहां पर प्लस हाफ है आप फील्ड और एक इलेक्ट्रॉन है तो ये भी आ जाएगा प्लस ऑफ हाँ। ये गए आपके तो स्पिन मुझे कितनी मिल रही है एस इक्वल टू मुझे मिल रही है वन तो चलिए इसमें डाल दीजिए आपकी एस की वैल्यू टू इंटू वन प्लस वन तो ये क्या आ गया यहाँ पर तब ये आ जाएगा आपका थ्री ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले यल की वैल्यू क्या मिली मुझे फाइव मिली उसके लिए मुझे क्या आ जाएगा एच आ जाएगा तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाते आपके इतने से ही आंसर सॉल्व हो जाते ठीक है बट अगर आपको सपोज़ कीजिए अगर आपको यहाँ पर क्या करता आपका एग्ज़ामिनर यहाँ पर एक फाइव एच की तरह दे देता आपका ऑप्शन सी ठीक है इसकी बदले यहाँ पर क्या देता फाइव एच दे देता तो आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी कैलकुलेट करनी होती है तब यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ये आ जाएगा थ्री एच ना सपोज कीजिए एग्जामिनर को क्या करना है और थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ानी है आपके एग्जाम की तब ये क्या कर देता है यहाँ पर जे की वैल्यू भी ऐड कर देता ठीक है अब सपोज कीजिए यहाँ पर जे की वैल्यू उन्होंने क्या किया है फाइव दिया है यहाँ पर थ्री दिया है यहाँ पर टू दिया, पर 2 दिया इस तरीके से नो जे की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपका डी ऑर्बिटल लेना पड़ेगा ठीक है अब यहां पर डी ऑर्बिटल है यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे वन टू थ्री फोर ठीक है फोर इलेक्ट्रॉन है यस yes. ये क्या है अब लेस देन हाफ फील्ड है ठीक है ये क्या है अब लेस देन हाफ फील्ड है हाफ फील्ड तो इसके लिए क्या करना होता है आपको डे इक्वल टू मॉड ऑफ एल माइनस एस का इससे क्या आ जाएगी आपकी जे वैल्यू आ जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा आपका रेस्पेक्टिवली टर्म सिंबल मिल जाएगा ठीक है इस केस में आ जाएगा फाइव फाइव माइनस वन यानी फोर टी एच फोर होता है इसका अगर जे की वैल्यू वो दे देते है, ठीक है बट फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या दिया है बस आपको l की वैल्यू देखनी थी और स्पिन मल्टीप्लीसिटी देखनी थी उसके बेसिस पे मेरा आ गया ऑप्शन डी ठीक है आई थिंक सभी के लिए ये बात क्लियर है जिस किसने भी ऑप्शन डी बताया था अनम जी ने बताया डी बी राजेश कुमार जी ने बताया बी बहुत बढ़िया ठीक है तो इस तरीके से आपको क्या करना था ए क्वेश्चन सॉल्व करना था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सुनाओ तो अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपके कोऑर्डिनेशन से ठीक है अब यहाँ पर देखोगे आप तो आपको दिए गए ऑक्साइड्स रेस्पेक्टिवली इसमें आपको बताना है कि इंटेंस लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन ठीक है द वेवलेंथ ऑफ दिस ट्रांजिशन फॉलोस ठीक है आपको क्या बतानी है इनमें क्या हो रही है उन्होंने बताया आपको हिंट दिया है कि इनमें हो रही है आपकी लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर एल एम सी टी अब इसमें आपको बताना है कि इसकी ऑर्डर क्या आ जाएगी वेवलेंथ की चलिए बहुत बढ़िया नम जी सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए गाइस जल्दी से चलिए आप मुझे बताइए क्या ऑप्शन ए आ सकता है सही आंसर क्या ऑप्शन बी होगा सही आंसर सी होगा या फिर डी होगा ट्राई कीजिए एक बार अगर आप ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है ठीक है आप अगर आप गलत होते हैं तो भी आपको क्या रहेगा ये, जब भी आप गलत होंगे आपको लंबे समय तक याद रहेगा ये बात ठीक है ओके चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से सॉल्व करना है अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं मेरे सभी ऑक्साइड्स में यहाँ पर क्या हो रहे हैं एल हो रहे हैं तो अगर आप देखोगे एल के लिए किस तरीके से मुझे एम मिलता है उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो ये है आपके मेटल ऑर्बिटल्स ठीक है एक साइड आए हैं आपके मेटल ऑर्बिटल्स और ये साइड आ जाएंगे आपके लिगैंड ऑर्बिटल्स तो अगर आप देखोगे दोनों में क्या है एनर्जी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी लेस रहेगी ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है हमने देखा है यहाँ पर इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है टी टू जी एंड ई जी में ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है चलिए बहुत बढ़िया राहुल जी सी गायत्री जी सी लिए देखते हैं क्या सी ऑप्शन जो आपने बताया क्या वो सही है या फिर गलत है ठीक है अब यहां पर देखिएगा ध्यान से ये क्या करेंगे और थोड़े नीचे चले जाएंगे इस तरीके से ये क्या करेंगे एक्जिस्ट करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके जितने चाहे हो यहां पर क्या होगा अगर आप देखोगे मेरे पास क्या है, है क्रोमियम है और मैंगनीज है यहां पर लिख देता हूँ मैं वेडियम वेनेडियम क्रोमियम एंड मैंगनीज अगर आप देखोगे इनके ऊपर चार्ज क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर आ जाएंगे फोर फोर यानी एट एट माइनस प्लस फाइव ठीक है और यहाँ पर कितनी आ रही है एट एट यानी टू निकाल दीजिए प्लस सिक्स और यहाँ पर आ रही है प्लस सेवन ठीक है अब ये बात मुझे पता चल गई कि वेनेडियम प्लस फाइव स्टेट में क्रोमियम प्लस सिक्स स्टेट में और आपका एम एन जो है प्लस सेवन स्टेट में है. सुनाओ तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है जैसे जैसे आप वेनेडियम से आपके एम की तरफ जा रहे हैं चार्ज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ठीक है इसको हम सिंपल टर्म्स पे समझेंगे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा है जैसे हम वी से एम की तरफ जा रहे हैं चार्ज बढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा यहां पर क्या होगा आपके जेड एफेक्टिव इंक्रीज होंगे ठीक है जेड एफेक्टिव इंक्रीज होंगे यानी अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगे आपके ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के बीच में तब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही क्या है वो आपके मेटल ऑर्बिटल्स नीचे आ जाएंगे उतना ही आपके मेटल ऑर्बिटल्स जो है अब नीचे आ जाएंगे इस तरीके से अब ये इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे ठीक है तो सुनो जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका मेटल ऑर्बिटल्स नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने में जब ज़्यादा चार्ज का मेटल प्रेजेंट होगा तब यहाँ पर क्या होगा लेस एनर्जी लगेगी बट यहाँ पर सपोज कीजिए आपके चार्ज क्या है लेस है तो Z इफेक्टिव लेस होगा और अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड योर ऑर्बिटल्स क्या होगा लेस होगा तो उतना ही आपका ऊपर रहेगा आपके मेटल ऑर्बिटल्स तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुँचने के लिए क्या लगेगा ज्यादा एनर्जी लगेगी ठीक है ये होगी लेस एनर्जी ठीक है और ये हो जाएगी आपकी मोर एनर्जी ठीक है अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आप बता सकते हो इजीली अब एनर्जी ऑर्डर देखते हैं किस अब एनर्जी ऑर्डर देखेंगे उसमें हमें पता चल गया चल जाएगा कि किसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी ठीक है चलिए पहले बात करते हैं एनर्जी ऑर्डर की एनर्जी ऑर्डर किस ट्रांसिशन किस इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रांसीशन में ज़्यादा एनर्जी लगेगी ठीक है अगर यहाँ पर चार्ज कम है तो यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको मोर एनर्जी लगेगी क्योंकि आपके मेटल ऑर्बिटल्स दूर हो जाएंगे ठीक है सो तो इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी आपकी वेनेडियम के लिए फिर आ जाएगा क्रोमियम फिर आ जाएगा आपका एम ठीक है अब यहाँ पर एक और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं आपके एनर्जी में और आपके वेवलेंथ में दोनों क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ठीक है एनर्जी और आपके वेवलेंथ क्या होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ठीक है सो तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे यहीं पे लिख देता हूँ मैं अगर आप देखो तो अगर इसके लिए क्या लग रही है मुझे लेस एनर्जी लग रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लैमड़ा इंक्रीज हो जाएगा सबसे ज्यादा आपको मिलेगा वेव लेंथ एम एन प्लस सेवन की केस में फिर आ जाएगा आपका क्रोमियम प्लस सिक्स और लास्ट में आ जाएगा आपका वेनेडियम प्लस फाइव ये होगी आपकी लैमड़ा की वेवलेंथ ठीक है ये होगी आपकी लैमडा की वेवलेंथ बताइए कितने लोगों के लिए ये बात क्लियर है बहुत बढ़िया सुभाजित घोष जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैमडा ठीक है हमें रिलेशन मिल गया उससे हम क्या कर सकते हैं इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हाँ बस आपको क्या करना है ये आपको ऑर्डर कहाँ पर मिल रही है ये ऑप्शन चेक करना है एम एन सबसे कहाँ ज्यादा कहाँ पे हैं एम एन है एम एन है, है तो यूं ही आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए फिर आ जाएगा क्रोमियम क्रोमियम कहाँ पे देखिएगा यहाँ पर है वैनेडियम यहां पर है क्रोमियम तो ये भी चले गया तो अल्टीमेटली आपका सी ऑप्शन होगा सही आंसर गुड इवनिंग अनीता जी अनीता जी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ठीक है जो जो अभी जुड़े हैं बस अभी शुरुआत सेशन ठीक है और आपको क्या करना है सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइस आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो चुका होगा अगर किसी के लिए कोई डाउट्स हैं तो वो आप आराम से पूछ सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे क्या बताया आपको क्वेश्चन में लैंथेनाइट्स के बारे में पूछा गया सबसे पहले तो ये बात मुझे पता चल रही है जैसे मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ लैंथनाइड आयन दैट एग्जीबिट्स कलर इन एक्वियस सोल्यूशन ठीक है आपको चार आयन्स दिए गए लैंथनाइट्स के इनमें से बताना है कि, कि किस आयन में एक्वियस सोल्यूशन किस आयन का एक्वियस सोल्यूशन क्या करेगा कलर शो करेगा ठीक है ट्राई कीजिएगा इस इस क्वेश्चन को संदीप जी हेलो सर हेलो संदीप जी चलिए क्वेश्चन को ट्राई कीजिए संदीप जी गायत्री जी का आंसर आ चुका है सोलंकी जी सोलंकी अनीता जी का भी आंसर आ चुका है दोनों ने कहा है बी ठीक है चलिए दोनों ने बी पे बोली लगाई ये देखते हैं या करेक्ट होगा या फिर ये रॉन्ग होगा चलिए सभी को ट्राई करना है गाइस यहाँ पर एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बता सके कि मैंने ट्राई क्वेश्चन को नहीं किया ठीक है सभी को ट्राई करना है चलिए सुभाषित जी, जी ने भी बताया कि बी हो आएगा आंसर चलिए घोष जी ने भी बताया बी होगा आंसर अमन जी मुबसिर जी ट्राई कीजिए राजेश जी सभी को ट्राई करना है गैस। ओके चलिए अब मैं भी आपके साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ सुनाओ तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या दिए आपको लैंथेनाइड आयंस दिए एक बेसिक बात पता चल गई होगी आपको अगर जब भी कलर पूछे आपको क्या देखना होगा पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस और डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस देखना होगा जो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो अल्टीमेटली क्या करेगा कलर शो करेगा ठीक है और जो डाया मैग्नेटिक होगा वो क्या रहेगा कलर लेस रहेगा ठीक है ये बात मुझे पता चल गई अब इसके बेसिस पे क्या मैं मेरे ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस और गलत ऑप्शंस डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ ये बात जान लेते हैं तो ये क्या है मेरा लेंथनाइड आयन है लेंथनम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉन्फिग्रेशन एफ़ जीरो आ जाएगा क्योंकि ये प्लस थ्री में प्रेजेंट है और ये भी मुझे पता है ठीक है जो आपको पता है उसको तो आपको क्या करना है पहले सॉल्व करना है अब ये भी मुझे पता है इसमें भी सिमिलरली क्या आ जाएगा एफ़ फोटीन आ जाएगा ठीक है ये बात मुझे पता चल गई अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है मेरे पास एफ़ ज़ीरो है और एफ फोर्टीन है दोनों क्या है यहाँ पर मैं बता सकता हूँ डाया नेचर के हैं ठीक है थीके? दोनों क्या है आपके डाया नेचर के हैं तो दोनों क्या रहेंगे यहाँ पर एक्वियस सोल्यूशन इनका कलरलेस रहेगा ठीक है ये बात मुझे पता चल गई तो ये क्या हो गए आपके ऑप्शन जो हैं एलिमिनेट हो गए अब मुझे क्या करना है बी और सी में डिफ्रेंशिएट करना है अब बी में अगर आप देखोगे क्या आ जाएगी बी में और सी में ये आ जाएगी आपकी एफ़ सिक्स और ये आ जाएगी आपकी एफ़ सेवन अब इन दोनों में मैं किस तरीके से बता सकता हूँ कि कौन सा मेरा आयन कलर प्रॉपर्टी शो करता है उसके एक्वियस सोल्यूशन में तो उसके लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर है मेरे पास एफ सिक्स और यहाँ पर है मेरा एफ़ सेवन इनमें दोनों में आप क्या कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ठीक है अब ये तो आपका हाफ फील्ड नहीं है तो ये क्या है आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैरी करता है ठीक है ये क्या है आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैरी करता है अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या है उसका एक फायदा इसको जरूर मिलेगा ये क्या है आपके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी ठीक है हाफ फील्ड ऑर्बिटल से क्या मिलती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है सिमेट्री की वजह से ठीक है अब यहां पर अगर आप देखोगे इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को क्या करना चाहेगा आपका डी डी प्लस थ्री क्या करना चाहेगा खोना नहीं चाहेगा ठीक है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को क्या करना चाहेगा आपका ये आयन खोना नहीं चाहेगा सो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाते हैं एफ एफ ट्रांसिशन नहीं होते और इसको एक और बात में बोलू तो इसको क्या कहते हैं लेपॉर्टे फॉरबिडन भी कहते हैं ठीक है यहाँ पर दो रीजन मिल रहे हैं आपको एक तो है लेपॉर्टे फॉरविडन ट्रांसीशन ठीक है लेपॉर्टिव फॉर्बिडन एक्चुअली मैं क्या करता हूँ तरीके से लिख ही देता हूँ लेपॉर्टिव फॉर्बिडन ठीक है ये हो गया एक रीज़न और दूसरा रीज़न क्या है आपकी इस आयन के लिए मुझे क्या मिल रही है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है जो वो क्या करता है आयन खोना नहीं चाहता सो इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं कोई ट्रांसीशन नहीं होते हैं आपके विजिबल स्पेक्ट्रम में या फिर विजिबल रेंज में ठीक है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा ये भी आपका क्या होगा कलरलेस होगा ठीक है ड्यू टू दिस रीजन ये भी क्या हो गया अब कलरलेस हो गया अब ये आपको बात पता चल गई कि यहाँ पर ऑप्शन में तीन ऑलरेडी क्या है मेरे एलिमिनेट हो चुके। तो यहाँ पर क्या होगा डेफिनेटली ये होगा मेरा सही आंसर ठीक है और यहाँ पर रीज़न भी देख लीजिए आप एफ सिक्स है एफ सिक्स क्या है यहाँ पर फुल फील्ड भी नहीं है हाफ फील्ड भी नहीं है तो यहाँ पर ट्रांसिशन जरूर होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई यू प्लस थ्री होगा आपका कलर ठीक है जिस किसी ने भी आंसर बी बताया है ऑप्शन बी को चुना है उन्होंने सही बात बताई है चलिए स्वाति जी ने कहा ई यू कलर मुबसर जी ने बताया बी चलिए बहुत बढ़िया सभी ने सही बताया आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी ओके ऑप्शन बी होगा आपका सही आंसर आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो चुके होंगे अगर किसी के डाउट्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा आपको बतानी हैप्टी सिटी तो अगर आप देखोगे यहाँ पर पिछले साल या फिर आपके 2018 में भी जो हमने सॉल्व किया था सभी ने उसमें भी क्या पूछे थे आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक है ये क्या हो रहा है आपके इस तरीके क्वेश्चन दो बार रिपीट हो चुके हैं दो साल में ठीक है सो इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी ईजी है और आपके हर साल रिपीट हो रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होगा चलिए आंसर्स आने चाहिए सभी के चलिए स्वाति जी ने बताया सिक्स ठीक है यहाँ पर क्या आंसर आ रहे हैं सभी के सिक्स आ रहे हैं और सोलंकी जी ने भी बताया सिक्स चलिए बहुत बढ़िया लेकिन दो लोगों के आंसर आए अभी तक सभी को ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सभी को ट्राई करना है ओके चलिए तो अब क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ओके तो यहां पर अगर आप देखोगे ये क्या है मेरा मोलिबीलम का कॉम्प्लेक्स दिया है अब इसमें क्या करना है बस आपको 18 इलेक्ट्रॉन रोल के द्वारा चेक करना है कि मॉलिक्यूल में 18 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं अब यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है ये आपके क्रोमियम मॉलिडनम एंड टेंटन वाला ग्रुप है तो ये देगा आपको सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर कार्बोनिल है एक कार्बोनिल कितने देगा इलेक्ट्रॉन आपको दो इलेक्ट्रॉन देता है तो तीन कार्बोनिल के कितने हो गए तीन कार्बोनिल के हो गए मेरे छः इलेक्ट्रॉन कुल मिला के मेरे कॉम्प्लेक्स पे कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन ताकि वो स्टेबल बन सके इस कंडीशन में एटीन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अब यहाँ पर आपको इसकी हेप्टासिटी पता नहीं है तो एक्स ले लीजिए अब ये क्या हो गया एक्स प्लस टूवेल्व इज इक्वल टू एटीन एक्स इक्वल टू एटीन माइनस टूवेल्व ये क्या आ गया मेरा एक्स इक्वल टू सिक्स तो क्या आ गई आपकी हेप्टासिटी ये आ गई ईटा सिक्स ये होगी आपकी थ्री सेवन एच एट की हेप्टा सिटी ठीक है और यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर ईटा सॉरी ओके चलिए चलिए गायत्री जी जी ने 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 सही आंसर आंसर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन okay. पे बढ़ते हैं गाइस तो जिस किसी ने भी यहाँ पर बताया उनका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है चलिए देखते हैं क्या पूछा गया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक है इन पर सेंटीमीटर ऑफ द ओ टू कोऑर्डिनेटेड टू आयरन सेंटर इन ऑक्सीहीमोगलोबिन इज नियरली ठीक है अब यहाँ पर पिछली बार किसी ने बताया था कि उनको फ्रीक्वेंसी के बारे में भी जानी है लो आ गया आपका फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन इसमें हम क्या करेंगे सारी फ्रीक्वेंसीज देख लेंगे आपके जो ऑक्सीजन कैरिंग मेटलो प्रोटीन्स आपको मिलते हैं चलिए ठीक है चलिए आपको बताना है क्या हो सकता है ऑप्शन ए बी सी डी एक ऑप्शन बता दीजिए जो करेक्ट हो सकता है विठल केमिस्ट्री या फिर वाइटल केमिस्ट्री जी ने कहा है? ए सोलंकी तो जी ने कहा है? ए चलिए दो लोगों ने बताया ए देखते हैं कि किस का आंसर सही होगा चलिए बाकी लोगों को भी ट्राई करना है गाइस गायत्री जी मोनालिसा लिसा जी सोलंकी तो जी सोलंकी तो जी का तो आंसर ऑलरेडी आ चुका है मुबर शिर जी लिए सभी को ट्राई करना है चलिए, तो देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है अब यहां पर आपको क्या पूछा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा है सपोज आपको यहां पर क्या क्या पूछ सकता है वो बारे में भी जा... उसके बारे में भी जान लेते हैं यहां पर हो सकता है आपका मायोग्लोबिन यहाँ पर या तो हो सकता है आपका एमिरथ्रिन या फिर यहाँ पर हो सकता है आपका हीमोसाइन ठीक है इन चारों के लिए क्या बन सकता है ये क्वेश्चन पॉसिबल है ठीक है इसके अलावा इन तीनों के लिए भी क्या है ये क्वेश्चन पॉसिबल है अब यहाँ पर और थोड़ी डिफिकल्टी बनानी है तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछेगा आपका चलिए तो यहाँ पर क्या लेंगे आपके हीमोग्लोबिन है इस साइड मायोग्लोबिन है फिर आ जाएंगे आपके हेमिरथ्रीन और हीमोसाइनिन अब यहाँ पर भी क्या पूछ सकता है वो उनकी ऑर्डर पूछ सकता है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकेगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेगा आपके रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे चारों आपके मेटलो प्रोटीन्स जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं सुना तो अगर आप देखोगे एच में यानी हीमोग्लोबिन पे किस तरीके से मिलता है मेरा ऑक्सीजन ना उससे पहले क्या करते हैं ऑक्सीजन के बारे में जान लेते हैं ठीक है ये है आपका डाई ऑक्सीजन ये है आपका सुपर ऑक्साइड और ये है आपका पर ऑक्साइड हाँ यहाँ पर अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करें बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसमें आ जाएगी बॉन्ड ऑर्डर टू और इसमें यह के आ जाएगी वन पॉइंट फाइव और इसमें यह क्या बन जाएगी वन बन जाएगी बॉन्ड ऑर्डर न अगर आप देखेंगे आपकी रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ठीक है अब रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे इन दोनों में किस तरीके का रिलेशन होता है ये दोनों होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा आपको क्या मिलेगी रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो इसके लिए क्या आ जाएगी अराउंड आपको जब भी ये मिलेगा वो आ जाएगी इन हंड्रेड इसके लिए क्या आ जाएगी अराउंड एवन हंड्रेड पर सेंटीमीटर ठीक है ये आपकी वैल्यू है पर सेंटीमीटर में और इसके लिए क्या आ सकती है मेरी सेवन फिफ्टी आ जाएगी ठीक है अब ये बात मुझे पता चल गई अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि जो आपके रेस्पेक्टिव मेटलो प्रोटीन है उनमें आपके सुपर ऑक्साइड एक्जिस्ट करते हैं या फिर पर ऑक्साइड एक्जिस्ट करते हैं अगर आपको ये पता चल गया और वो आपको बातें पता है तो आप क्या कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है थीके? चलिए अगर आप देखेंगे यहां पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन की बात करूँ वो किस तरीके से रहते हैं आपके ओ टू माइनस यानी यहाँ पर क्या होगा आपका पर ऑक्साइड होगा ये आ गया मेरा पर ऑक्साइड और अगर मायोग्लोबिन की अगर बात करूँ यहाँ पर भी क्या होगा आपके सिमिलर कंडीशन रहेंगे जैसे मुझे आपके हीमोग्लोबिन में मिलता है यानी ऑक्सीजन भी रहेगा इस केस में आपका पर ऑक्साइड फॉर्म में ठीक है ये भी है आपका पर ऑक्साइड के फॉर्म में अब हेमिथरीन की बात करूं तो यहां पर क्या होता है इस तरीके से आपका मॉलिक्यूल आ जाएगा यानी मेटलो प्रोटीन आ जाएगा यहां पर आ जाएंगे टू माइनस या फिर इसको हम एच ओ टू माइनस की तरह भी लिखते हैं तो ये क्या है आपके सुपर ऑक्साइड हैं ये है आपके सुपर ऑक्साइड अब बच गया आपका हिमोसाइनिन ये क्या है आपके कॉपर कंटेनिंग मेटलो प्रोटीन इसमें अगर आप देखोगे इस तरीके से आ जाएगा आपका ऑक्सी हिमोसाइनिन यहाँ पर आ जाएगा टू अब इसमें भी मुझे पता चल गया है कि ये क्या है आपके सुपर ऑक्साइड हैं ठीक है अब यहाँ पर अगर आपको दोनों के बीच में ठीक है इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है तो आप इजीली कर पाओगे इन दोनों की आएगी करीब आपके 1100 के आसपास 1100 पर सेंटीमीटर और इन दोनों के लिए अगर आप देखोगे ये कहाँ आ जाएगी आपकी सेवन पर सेंटीमीटर ठीक है ओके okay, अब ये बात मैंने जान ली अब यहाँ पर क्या देखना है मुझे आपके हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी अराउंड वन वन जीरो सिक्स पर सेंटीमीटर और पैराऑक्साइड के लिए ये आ जाएगी वन वन जीरो थ्री पर सेंटीमीटर और अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमीर और हीमोसाइनिन में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके ये आ जाएगी अराउंड एट फिफ्टी पर सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी हेमोसाइन के लिए सेवन फिफ्टी पर सेंटीमीटर आ जाएगी तो इस तरीके से क्या मिलेगा मुझे और अगर एक क्वेश्चन आपको पूछना है तो यहाँ पर क्या पूछ सकता है बाइंडिंग कैपेसिटी के बारे में भी पूछ सकता है ठीक है अगर बाइंडिंग कैपेसिटी के बारे में जानना है तो जितनी ज़्यादा आपको लेस रमिन स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी मिलती है उतना ही क्या होता है आपके डाई ऑक्सीजन और आपके मेटल के बीच में गुड कोऑर्डिनेशन होता है ठीक है शिवपाल जी कह रहे हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग शिवपाल जी आई थिंक ये बातें आपके लिए क्लियर हो चुकी है ना अगर आपको बाइंडिंग कैपेसिटी के, के बारे में पूछता तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंड करता आपका ऑक्सी आपके ऑक्सीजन के साथ फिर आ जाता आपका हेमतरीन फिर मायोग्लोबिन फिर आपका आ जाता हेमोग्लोबिन ऑक्सी ठीक है क्या ये बात सभी के लिए क्लियर है एक बार बता दीजिए न आपको आंसर तो यूं ही मिल गया होगा ये करता है वन वन जीरो थ्री तो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया वन वन डबल जीरो पर सेंटीमीटर आ गया तो ये हो गया आपका सही आंसर और ये हो गया आपके गलत आंसर बता ली बताइए एक बार सभी के लिए क्या ये बात क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं आप ओके चलिए ग्रेट तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा ओके okay, यहाँ पर पूछा है द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर मैग्नीशियम इज मैग्नीशियम के लिए आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सही एनर्जी बैंड गैप या फिर बैंड डायग्राम या फिर क्या कहते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम क्या हो सकता है ठीक है चलिए ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को चलिए बहुत बढ़िया अनिता जी सभी लोग को क्या करना है इस क्वेश्चन को ट्राई करना है गाइस चलिए आंसर आने चाहिए सभी के उबर जी ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को आप भी <coughs> चलिए बहुत बढ़िया चलिए आंसर शुरू हो चुके हैं दीपांशु पाठक जी ने कहा है डी बहुत बढ़िया दीपांशु पाठक जी चलिए देखते हैं क्या डी ऑप्शन जो आपने बताया है वो सही होगा या फिर गलत होगा ओके संदीप जी का भी आंसर आ चुका है संदीप जी ने बताया सी होगा चलिए संदीप जी ने बताया ही होगा देखते हैं यहाँ पर किन किन लोगों का ऑप्शन जो उन्होंने चुना है वो सही हो सकता है चलिए ओके ग्रेट चलिए मुबश्री जी ने बताया जूम इट मुबसश्री जी जूम तो अभी फिलहाल के लिए नहीं कर सकता है बट आप इजीली समझ सकते हो बस आपको क्या करना है बैंड गैप देखना है ये तो आपके लिए इजीली विजिबल है यहाँ पर आप देखो यहाँ पर, पर आप देखो और यहाँ पर एक और बात क्या है अगर इस तरीके से आपको मिलता है तो ये क्या है हाफ फील्ड हैं और इस तरीके से मिल रहा है तो ये क्या है आपके फुल फील्ड हैं ये क्या है आपके दोनों एस बैंड और पी बैंड क्या हैं दोनों फुल फील्ड हैं और यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है या फिर आपके एनर्जी लेवल्स की ओवरलैपिंग हो रही है ठीक है ये बात यहाँ पर ऑप्शंस में मेंशन में की गई है ठीक है आप इजीली बता सकते हो बिना जूम करे हुए चलिए गाइस अब हम जानते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सबसे पहले अगर आप देखेंगे आपको इस क्वेश्चन के लिए बेसिक जानकारी होनी चाहिए क्या जानकारी होनी चाहिए जैसे आपके आ जाते हैं मेटल्स या फिर इनको कह सकता हूं कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स या और आ जाएंगे इंसुलेटर अगर आप मेटल्स और कंडक्टर्स में देखेंगे जो बैंड गैप होता है आपके वैलेंस गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में वो बहुत लेस होता है ठीक है इन दोनों के बीच में क्या होता है बैंड गैप आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में लेस एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप होता है और जैसे जैसे आप सेमी की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा बैंड गैप इंक्रीज हो जाएगा दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच में थोड़ा सा बैंड गैप क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ मॉडरेट बैंड गैप बट अगर आप इंसुलेटर की तरफ मूव करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो गैप मॉडरेट था सेमी के बीच में वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है वेरी लार्ज बैंड गैप प्रेजेंट है फॉर योर इंसुलेटर ठीक है अब ये बात मुझे पता चल गई और एक बात क्या बतानी है मुझे सेमी कंडक्टर्स अगर आप देखोगे यहाँ पर सपोज कीजिए आपको एग्जामिनर क्या पूछता है आपके टेम्परेचर और कंडक्टिविटी के रिलेशन पूछता है मेटल कंडक्टर सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जैसे जैसे आपके मेटल के ओके okay, तो यहाँ पर अब यहाँ पर मुझे क्या बताना है मेटल और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन बताना है ठीक है अब यहाँ पर टेम्परेचर है मेरा और कंडक्टिविटी है अगर मैं मेटल या फिर आपके कंडक्टर की बात करूँ जैसे आपकी टेम्परेचर इंक्रीज़ होती है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी बट अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं इसकी एक खासियत अगर आपको ये पता होगी आपके ये क्वेश्चन अगर आप आ जाते हैं एग्जामिन में आप क्या कर सकते हो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो क्या है यहाँ पर खासियत आपकी जैसे जैसे आपके सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वहाँ पर कंडक्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा या फिर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी इसके लिए इसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे टेम्परेचर इंक्रीज करो या फिर डिक्रीज करो ये इंसुलेटर का इंसुलेटर ही रहेगा ठीक है अब ये बातें मुझे पता चल गई और क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं हमें ये बातें भी पता चल गई अब यहाँ पर आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है मुझे मैग्नीशियम दिया है मैग्नीशियम का आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यस में फुलफिल्ड ऑर्बिटल होते हैं ठीक है जो आपका यस ऑर्बिटल होता है फुलफिल्ड होता है तो ना सबसे पहले अगर आप देखो तो यस बैंड क्या है यहाँ पर हाफ फील्ड दिया है ये चला गया बाहर यहाँ पर पी को भी फुल फील्ड बताया तो ये भी बाहर चला गया अब बचते हैं आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन डी अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों के बीच में यहाँ पर थोड़ा बैंड गैप एग्जिस्ट करता है कंपेयर टू दिस यहाँ पर कोई भी बैंड गैप प्रेजेंट नहीं है इनफैक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है आपके ऑर्बिटल्स या फिर एनर्जी लेवल्स क्या हो रहे हैं एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कभी कभी क्या हो जाता है आपके मेटल्स में यहाँ पर या तो आपका वेरी लेस एनर्जी गैप होगा या फिर आपका ऑर्बिटल्स या फिर एनर्जी लेवल्स क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से तो इसके रिगार्डिंग अगर आप देखोगे ऑप्शन डी होगा आपका सही आंसर ठीक है ये तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया था आपका ऑप्शन सी और आपका ऑप्शन बी बच गए थे ऑप्शन ए एंड डी उसमें अगर आप इसके ऊपर अगर जाते तो इजीली बता पाते कि ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर तो जिन किन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन डी बताया सही आंसर वो सही है हरियादीपरघा या पांडा तो पांडा जी ने बताया डी होगा तो जिस किसी ने भी सी बताया यहाँ पर आई थिंक उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे ठीक है गाइस चलिए आई होप ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपके कोई डाउट्स नहीं बचे होंगे तो चलिए अब यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है ना क्वेश्चन पढ़िएगा सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को ठीक है गाइस क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर बताया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रोजन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ टी यू यसो फोर फाइव एच टू ठीक है ये बताया आपको बताना है कि यहाँ पर जी पैरल ग्रेटर देन जी परपेंडिकुलर होगा या फिर इसका अपोजिट आ जाएगा या फिर इक्वल होगा या फिर इस तरीके से मुझे मिलेगा ट्राई कीजिएगा इस इस क्वेश्चन को बताइए मुझे इस केस में क्या सही आंसर आ जाएगा सभी को ट्राई करना है गाइस इस क्वेश्चन को चलिए आंसर रहे हैं बहुत बढ़िया उव जी ने बताया डी ठीक है चलिए जी ने बताया डी बाकी लोगों का क्या कहना है ये भी देख लेंगे चलिए ट्राई कीजिए सभी को ट्राई करना है इस क्वेश्चन को चलिए सोलंकी जी का भी आंसर आया सोलंकी तो जी ने बताया कि यहां पर सही ऑप्शन होगा डी ओके चलिए चलिए देखते हैं सोलंकी जी ने बताया ए होगा ठीक है चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है तो सबसे अगर पहले अगर आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हो तो क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ठीक है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया है इसके रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिया है सी यू एस ओ फोर डॉट फाइव एच टू का एक्वियस सोल्यूशन दिया है ठीक है चलिए ये बातें मुझे पता चल गई अब क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये बातें जान लेते हैं और सबसे पहले अगर आप देखोगे यहां पर क्या है जी वैल्यू के बारे में बात की गई है ठीक है जी वैल्यू क्या है आपका जी वैल्यू डिपेंड करता है आपके ऑलमोस्ट रिलेटेड होता है आपके मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ठीक है अब इसकी अगर आपको वैल्यूज बतानी होती है तो ये किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक है और ये क्या होता है आपका ये होता है आपका यूनिट लेस ठीक है ये होता है आपका यूनिट लेस ना अगर आप देखेंगे ना सपोज कीजिए अगर जी की वैल्यू बताना है अब यहाँ पर क्या दिया है मुझे सी यू एस ओ फोर डॉट फाइव एच टू दिया है उसका एक्वियस सोल्यूशन दिया है ना चलिए इसका एक्वियस सोल्यूशन किस तरीके से रहता है देख, मेरे पास है सी यू एस ओ फोर डॉट फाइव एच टू अब एक्वियस सोल्यूशन मिला बताया है, तो यहाँ पर क्या है ये एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके वाटर में अब वाटर जब भी इसके साथ रिएक्ट करेगा यहां पर क्या बन जाएंगे पी यू एच टू ओ सिक्स टाइम्स टू प्लस ठीक है अब ये बन गया मेरे कॉम्प्लेक्स ठीक है एक्वा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मुझे मिल गया अब यहां पर क्या है मेरे कॉपर एग्जिस्ट करते हैं प्लस टू और इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा डी नाइन कॉन्फिगरेशन होगा ठीक है और ये क्या है हाई स्पिन हो लो स्पिन हो फर्क नहीं पड़ता फिर भी ये होते हैं हाई स्पिन ठीक है अब ये बातें मुझे पता चल गई अब एक और बात क्या करना है अच्छा सर मेरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ये चलिए इस क्वेश्चन का बता दीजिए मुवेसर जी आप क्या आ सकता है ठीक है सभी को ट्राई करना है इस क्वेश्चन को आपको मैंने टाइम दिया था स्टार्टिंग में ही कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकें और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो भी फिर भी आपको क्या पता चलता है यहाँ पर कि किस तरीके से क्वेश्चन को जज करना है ये बातें आपको पता चलती है। ओके चलिए जब तक आप ट्राई करते हैं तब तक यहाँ पर आप फोकस करिएगा बाकी लोग अब सपोज कीजिए यहां पर डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात चल रही है तो मेरा क्या है यहाँ पर ये तो बात पता चल गई कि मुझे मिल रहा है मेरा कॉपर का एक्वा कॉम्प्लेक्स अब यहाँ पर जी की वैल्यू या तो पैरल मिल सकती है आपको या तो परपेंडिकुलर मिल सकती है ना इस केस में अगर आप देखेंगे ये क्या करती है बताया मैंने जी वैल्यू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करती है ना जब भी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई ऑर्बिटल्स ठीक है एक्स वाई एक्सिस में जो आपको ऑर्बिटल्स मिलते हैं उनमें ज़्यादा आ जाती है तो जी परपेंडिकुलर क्या होगा ग्रेटर देन जी पैरल होगा ठीक है क्या बताया मैंने अगर सपोज कीजिए आपके जी की सॉरी पी एक्सक्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक है अब ये फिलहाल तो यही है कि ऑर्बिटल को मैं कंसिड्रेशन में ले रहा हूँ बट जब भी आपके एक्स वाई ऑर्बिटल्स एक्सवाई के अलाग जो भी आपको ऑर्बिटल्स मिलते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ज़्यादा मिल जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जी पैरल हो जाएगा ठीक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है अगर पी एक्सक्वायर माइनस वाई स्क्वायर से ज़्यादा है आपकी डी जेड स्क्र में ठीक है इसकी क्या है ज्यादा है कंपेयर टू तो दिस वन तब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कंडीशन अप्लाई होगी बट अगर आप देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी डी जेड स्क्वायर यानी जेड के अलोंग आपको जो भी ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनमें अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है कंपेयर टू तो दैट ऑफ योर एक्स वाई अलॉन्ग एक्सिस यानी ये क्या है अब यहाँ पर डी एक्स स्क्वायेर माइनस वाई स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ अब यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू मिलती है यानी डी जेड स्क्वायेयर में आपको मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है कंपेयर टू योर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब यहाँ पर क्या आ जाएगा जी पैरल ग्रेटर देन डी परपेंडिकुलर ठीक है अब ये मेरा क्या हो चुका है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है अब मुझे बस ये जानना है कि आपके सी यू प्लस टू में क्या स्प्लिटिंग हो सकती है जेड इन स्प्लिटिंग होती है या फिर जेड आउट स्प्लिटिंग होती है ये बातें मुझे जानिए गुड इवनिंग श्रवण जी वन गुड इवनिंग श्रवण जी ठीक है ओके okay. चलिए अब बातें जानते हैं कि आपके सीयू प्लस टू में किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है पहले तो आपका आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग किस तरीके से रहेगा ये आएंगे आपके टी टू जी और ये आ जाएंगे आपके ई जी अब आपको पता होना चाहिए जब भी आपको सी यू के एक्वा कॉम्प्लेक्स या फिर एन एस थ्री प्लस टू कंटेनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स मिलते हैं उनमें यहां पर क्या होता है जेड आउट शो होते हैं ठीक है उनमें क्या होता है <coughs> आपका जेड आउट शो होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा जो आपके टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है किस तरीके से स्प्लिट हो जाएंगे ये फर्दर स्प्लिटिंग शो करेंगे ये इस तरीके से आपके ऑर्बिटल्स फर्दर स्प्लिट शो करेंगे अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे एनर्जी ज्यादा रहेगी आपकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में फिर यहाँ आ जाएगा आपका डी जेड स्क्वायर अब अब यहाँ पर आ जाएगा आपका डी जेड स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डी एक्स वाई और ये आ जाएंगे आपके डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड एक सेकंड गाइस ओके चलिए वापस आते हैं कॉन्सेप्ट में चलिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखिएगा किस तरीके से आ जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन इलेक्ट्रॉन्स थे नाइन इलेक्ट्रॉन्स की हमने फिलिंग कर दी अब यहां पर अगर आप देखोगे डी जेड स्क्वेयर में क्या है दो इलेक्ट्रॉन है मेरे डी जेड स्क्वायर में अब क्या है दो इलेक्ट्रॉन है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस केस में डी जेड स्क्वायेयर की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है तो लिख दूंगा मैं ई डी ई डी यानी क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी जेड स्क्वायर की ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ योर डी एक्स स्क्वायेर माइनस वाई स्क्वायेयर ठीक है तो इस केस में क्या हो जाएगा अब आपका जी पैरेलल ग्रेटर हो जाएगा कंपेयर टू योर जी परपेंडिकुलर तो ये मिल गया आपको आंसर देखिएगा कहाँ पर है इस तरीके का ऑर्डर जी पैरल ग्रेटर देन जी परपेंडिकुलर ये पहला ऑप्शन मिल गया मुझे ठीक है क्या ये हो सकता है ये ऑफकॉर्स हो सकता है अगर यहाँ पर जो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो उल्टी आ जाएगी यानी डी एक्सक्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, में अगर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कंपेयर टू दैट ऑफ योर डी जेड स्क्वायर तब इस केस में यहाँ पर ये आ जाता क्या ये आ सकता है इस केस में तो नहीं आ सकता और इस केस में ये भी नहीं आ सकता ना अगर आप जी की वैल्यू देखेंगे जी की वैल्यू क्या आती है आपकी टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आती है तो ये दोनों क्या रहेंगे जी की वैल्यू से ज़्यादा रहेंगे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आपके लिए इतनी बातें काफ़ी हैं टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट शबनम जी कह रहे हैं गुड इवनिंग गुड गुड इवनिंग शबनम जी चलिए बताइए किन किन लोगों के लिए ये बातें क्लियर हो चुकी हैं एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या ये सभी बातें जो अभी तक हमने डिस्कस की वो क्लियर है सोलंकी जी ने कहा है जेड आउट एलोंगे अलोंगेशन बहुत बढ़िया सोलंकी जी सही बताया आपने कि जेड आउट होगा इस केस में चलिए कृति शर्मा जी ने कहा है। यस सर बहुत बढ़िया चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अब क्या है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मुझे साइक्लोफॉस्फोजिन क्या रहता है मेरा फॉर्मूला नाइट्रोजन आ जाएगा आ जाएगा और यहां पर दो सब्सटेंट अटैच होंगे फॉस्फरस को ठीक है चलिए किस तरीके से आ जाएगा स्ट्रक्चर ये बता देता हूं यहां पर नाइट्रोजन है फॉस्फोरस थ्री टाइम्स और यहां पर है एक्स और एक्स ये है मेरे और यहां पर अगर थ्री है तो ये क्या हो गया मेरे ट्राइफौस्वर्ण। ट्राइफौस्वर्ण। अब इनमें क्या पूछा है आपको द स्ट्रेंथ ऑफ पाए बॉन्ड पी एन के बीच में क्या होता है पाए बॉन्ड होता है ये वाला बॉन्ड उसकी स्ट्रेंथ बतानी है आपको बेस्ड अपॉन द सब्स अटैच्ड ऑन द फॉस्फोरस अगर जैसे जैसे आपके फॉस्फोरस पे सब्सूडेंट्स चेंज होते जाएंगे वहां पर क्या होता जाएगा आपके जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ मिलेगी हमें पाई बॉन्ड की वो भी वेरिएशन शो करने लगेगी उसी के रिगार्डिंग आपको क्या पूछा है ये क्वेश्चन पूछा है अब यहाँ पर क्या क्या आपको सब्सटूंट दिए हैं फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन और मिथाइल क्या सभी में सेम है बिल्कुल सभी में सेम केस है तो इसमें आपको क्या बताना है सही ऑर्डर बताना है चलिए गाइस ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को चलिए सोलंकी जी ने बताया डी ठीक है तो सोलंकी जी ने डी आंसर को सेलेक्ट किया चलिए बाकी लोगों का क्या कहना है देखते हैं सभी लोगों को ट्राई करना है गाइस इस क्वेश्चन को गेट में आपको ज्यादा समय नहीं होता ठीक है <coughs> आपको मिनिमम टाइम लेना है सही आंसर लाने में चलिए सोलंकी जी ने बताया डी ओके चलिए देखते हैं क्या ये सही आंसर है या फिर गलत आंसर है ओके अब यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरा ये क्या है ट्राई है ये किस तरीके से रहता है नेचर का शो करता है ऑलरेडी यहाँ पर हिंट दिया है बट फिर भी आपको अगर हिंट नहीं दिया होता तो आपको ये बात पता होनी चाहिए किस तरीके से आ जाएगा मेरा साइकिलिक फॉस्फोजिन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में क्या होंगे इस तरीके से बॉन्ड होंगे ठीक है अब ये हो गया मेरा साइकिलिक फॉस्वोजिन इनमें क्या रहेंगे अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड रहेंगे और फॉस्फोरस पे क्या रहेंगे दो दो सब्सटूंट लगे हुए रहेंगे ठीक है यहाँ पर क्या है एक्स लिख लेता हूँ मैं अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा इस यूनिट को कंसिडर करूँगा ठीक है एक ही यूनिट को कंसिडर करते हैं ताकि बातें जो होंगी उसको अच्छे से समझ पाए अब यहाँ पर है एक्स यहाँ पर है एक्स इस तरीके से मेरा है पर ये क्या है मेरा ये मेरा पाए बॉन्ड है ठीक है अब यहाँ पर मुझे क्या करना है पाए बॉन्ड की स्ट्रेंथ की ऑर्डर बतानी है तो ना अगर आप देखेंगे जैसे हमने ओ का क्वेश्चन डिस्कस किया था रिगार्डिंग योर एल जितनी आपकी चार्ज बढ़ती है आपके सेंट्रल एटम या फिर मेटल एटम पे उतनी जेड इफेक्टिव बढ़ती है जेड इफेक्टिव अगर बढ़ती है तो न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं आपके ऑर्बिटल तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा फॉलो होगा ठीक है चलिए देखते हैं किस तरीके से फॉलो होता है ना नाइट्रोजन है मेरे पास नाइट्रोजन क्या है मोर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या रहेगा क्लोज टू न्यूक्लियस रहेगा ये है मेरा नाइट्रोजन ठीक है यहाँ पर अगर आप देखोगे फॉस्फोरस क्या है थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रो है तो इसके क्या रहेंगे ऑर्बिटल्स ऊपर रहेंगे ना यहाँ पर अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ एक केस में क्लोरीन लेता हूँ और एक केस में क्या ले लेता हूँ मीथाइल लेता हूँ ठीक है एक केस में क्या करता हूँ मीथाई ले लेता हूँ अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इन दोनों के केस में क्या है ये है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये है आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो चारों ऑप्शन में दिया गया अब यहाँ पर ये जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही इसके पास क्या आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जितना इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसी पे क्या आ जाएगा उतना ही ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा और यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बात आएगी बट यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिविटी और पार्शियल नेगेटिविटी आएगी वो क्या रहेगी कंपेयर टू फ्लोरिन जब अटैच रहेगा ये लेस होगा तो ना जितना यहाँ पर प्लस चार्ज या फिर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा है उसका मतलब क्या है इसको हम लिंक करेंगे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से जितनी आपकी पॉजिटिव चार्ज उतना ही जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो यहाँ पर फ्लोरिन के केस में क्या है सबसे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा एफेक्टिव रहेगा या फिर न्यूक्लियर चार्ज रहेगा तो जितना ज्यादा पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उतना ही आपका क्या करेगा ये नीचे आ जाएगा। ठीक है और अगर यहां पर मिथाइल केस में बात करूं ये थोड़ा सा ही आ जाएगा ठीक है, ये क्या है आपके मिथाइल की केस में अब जितना ज्यादा यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना होगा जितना ज़्यादा आपके ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होगी सिमिलर एनर्जी रहेगी उतना ही क्या होगा आपके जो तो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की उतनी ही अच्छी होती है और जितना ज़्यादा आपका ओवरलैपिंग बढ़ता है आपके ऑर्बिटल्स का उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है इंक्रीज होती है ठीक है सो सपोज़ कीजिए यहाँ पर मैं अगर हाइब्रिडाइज की बात करूँ ये है मेरे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इनमें क्या होती है इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है कंपेयर टू योर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स तो जितनी ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है उतनी क्या होते हैं आपके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है इंक्रीज होती है तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा यहाँ यहाँ जितना ज़्यादा नीचे आ जाएगा उतनी सेम एनर्जी हो गई तो उतना ही गुड ओवरलैपिंग कर सकेंगे फॉस्फोरस के ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के ऑर्बिटल और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है मेरा तो सीधे सीधे अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने गए मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम या फिर उससे अच्छा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टूडेंट ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सबस्टूडेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पाए बॉन्ड्स ठीक है योर पाए बॉन्ड स्ट्रेंथ तो ये मेरा कॉन्सेप्ट क्या आता है सीधा सीधा मेरा निकल के आता है अब क्या कर सकते हैं आप बस इस कॉन्सेप्ट को देखो और इजीली बता सकोगे आप क्या पाए बॉन्ड स्ट्रेंथ मेरी क्या आ जाएगी ठीक है अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है क्लोरिन है सबसे ज्यादा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है मेरा मिथाइल है उन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं आपके क्लोरिन और ब्रोमिन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये ऑर्डर क्या होगा सही होगा ठीक है ऑप्शन ए जो होगा सही होगा या ब्रोमिन के लिए हाईएस्ट या फिर पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आ सकती है क्या बिल्कुल भी नहीं मिथाइल के लिए आएगी बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर लिस्ट दिया है फ्लोरिन को तो आप ये देखना ही मत तो आप सीधे इसको एलिमिनेट कर देना तो ऑप्शन ए होगा मेरा सही आंसर बताइए कितने लोगों के लिए ये बात क्लियर है चलिए मोनालिसा जी ने बताया ए मुशिर जी ने बताया है अंकिता जी ने बताया था डी ठीक है अंकिता जी ने डी बताया था आई होप अंकिता चलिए बहुत बढ़िया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों क्या है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेन ग्रुप एलिमेंट्स से तो इसमें आपको बताना है कि ये स्ट्रक्चर टाइप क्या होगा ठीक है इसका स्ट्रक्चर टाइप और शेप ऑफ द पॉलीहेड्रल क्या होगा इस कार्बोरेन के लिए ठीक है ट्राई कीजिए गाइस ट्राई कीजिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपको ऐसे ही मार्क्स थ्री के मिल जाएंगे चलिए आंसर्स आने चाहिए सभी के सभी को ट्राई करना है क्वेश्चन यहाँ पे जो जो प्रेजेंट है सोलंकी जी मुबशिर जी मोनालिसा जी कीर्ति शर्मा जी गायत्री जी तबनम जी प्रवनन जी सभी को ट्राई करना है बहुत इजी सा क्वेश्चन है पता नहीं आप किस लिए इतना ज़्यादा समय दे रहे हो ओके चलिए गाइस। तो फिर क्या हैं? मिल के करते हैं मिलके सॉल्व करते हैं चलिए अब यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन में क्या दिया है मुझे कार्बोरेन दिया है ठीक है इस कार्बोरेन को मैं इधर लिख लेता हूँ एम ई ट्वाइस है कार्बन कितने हैं दो है दस बोरॉन एटम्स प्रेजेंट है और दस हाइड्रोजन प्रेजेंट है दस हाइड्रोजन प्रेजेंट है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे मुझे क्या करना है बस यहाँ पर आइसोलोबिलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करना है ठीक है मुझे क्या करना है बस आइसोलोबिलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो अगर आप मिथाइल देखोगे किस तरीके से आ जाएगा मिथाइल का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सी बात है इस तरीके से आ जाएगा मिथाइल का स्ट्रक्चर और यहाँ पर रहेगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ये है आपका वन इलेक्ट्रॉन। इसका तो मतलब क्या हुआ आपके मिथाइल ग्रुप क्या है वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं अब मुझे बस क्या करना है इसको जो मुझे कार्बोरेन दिया है जो कार्बोरेन मुझे दिया गया है उसको मुझे क्या करना है बस बोरेन में कन्वर्ट करना है बोरेन में क्या होते हैं आपके फोरन होते हैं उसके साथ होते हैं हाइड्रोजन अब यहाँ पर ये वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है इसका मतलब क्या है ये आइसोलोबल है आपके हाइड्रोजन के साथ जो क्या है आपका ये भी आपका वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है ठीक है तो दो मिथाइल है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप उनके बदले में यहाँ पर क्या लिख दूंगा दो हाइड्रोजन लिख दूंगा चलिए अब यहाँ पर क्या है मेरे कार्बन है कार्बन के अगर आप देखो कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, है. यानी ये क्या है आपका फोर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है अब यहाँ पर मुझे क्या करना है इसको या तो बोरॉन से रिप्लेस करना है या फिर हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा यहाँ पर अगर आप देखोगे ये हो जाएगा आइसोलोबल विथ योर बी स्पीशीज क्यों क्योंकि बोरॉन के पास होते हैं तीन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होते हैं एक इलेक्ट्रॉन तो ये भी क्या हो गया आपके फोर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं तो ये हो गए आपके दोनों एक दूसरे से आइसोलोबल ठीक है अब यहाँ पर दो कार्बन है इसका मतलब क्या है ये आपके दो बी एच ग्रुप आ जाएंगे बच गए आपके बोरॉन इस तरीके से ही लिख दीजिए और ये आपके लिख दीजिए इस तरीके अब बस आपको टोटल नंबर ऑफ बोरॉन और हाइड्रोजन्स देखने किस तरीके से आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ बोरॉन यहाँ पर है दो बोरॉन यहाँ पर है दस यानी ये कुल मिलाकर हो गए बारह अब यहाँ पर क्या है टू प्लस टू प्लस एन यानि ये क्या हो गए फोर्टीन हो गए ठीक है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले मुझे क्या बताना है नीडो क्लोजो नीडो क्लोजो में बताना है तो यहाँ पर सिंपली आपके दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे या तो आपके दो एडिशनल हाइड्रोजन्स हो ठीक है अब यहाँ पर सपोज कीजिए मेरे पास बी एन एच एन प्लस टू है या फिर बी एन एच एन उनके बदले टू नेगेटिव चार्ज है तो इस केस में क्या होगा ये होंगे आपके प्लोजोबोरेन ये होंगे आपके प्लोजोबोरेन ठीक है अब यहाँ पर भी दो एडिशनल हाइड्रोजन हैं तो ये किस तरीके से स्पीशीज हो गई मेरी प्लोजो स्पीशीज हो गई ठीक है ये हो गया मेरा प्लोजोबोरे अब यहाँ पर अगर आप देखोगे नीडो दिया है नीडो दिया है तो ए और सी तो इस तरीके से एलिमिनेट हो गए बच गए आपके ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सो so यहाँ पर अगर आप क्या करना क्लोजो स्पीशीज की जब भी बात आए ठीक है क्लोजो स्पीशीज की जब भी बात आए तो आपको क्या करना होगा नंबर ऑफ वर्टाइस फाइंड करने होंगे उनकी जोमेट्री बताने के लिए तो नंबर ऑफ स्केलीलिटल आइटम ठीक है नंबर ऑफ स्केलीटल आइटम यानी यहाँ पर इस केस में बोरॉन होगा आपका स्केलेटल आइटम नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टाइसिस यहाँ पर कितने बोरॉन है टूवेल्व हैं तो कितने हो गए यहाँ पर वर्टाइसिस टेल्व वर्टाइसिस हो गए और आपको एक बात पता होनी चाहिए जो आइकोसा हाइड्रोल्स जोमेट्री मुझे मिलती है उसके क्या होते हैं टूवेल्व वर्टाइसिस मुझे मिलते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर है आइकोसा और यहाँ पर है आइकोसाहाइड्रोल क्लोजो तो स्पीशीज सही है तो ये हो गया मेरा सही आंसर बच गया था डी यहां पर डो डेकाहाइड्रॉन दिया है तो ये हो जाएगा गलत चलिए गायत्री जी ने बताया था बी अभिजीत घोष जी ने बताया सी इज इक्वल टू बी प्लस एच बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी ने बहुत सुंदर तरीके से जवाब दिया है चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था अब आते हैं आपके कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन पे ठीक है यहां पर क्या दिया है आपको इफ डेल्टा नॉट इज द ऑक्टाहाड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी पी इज द इलेक्ट्रॉन पेरिंग एनर्जी देन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी ऑफ टी ओ एन एच थ्री सिक्स टाइम्स प्लस टू चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स इसकी आपको क्या बतानी है आपको बतानी है कि क्या आ जाएगी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ठीक है आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर जो डेल्टा नॉट की वैल्यू दी है सभी के लिए सेम है तब आपको क्या करनी है मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है सी एफ एस सी की वैल्यू निकालने में ठीक है अजय बागवान जी ने कहा है सी चलिए अजय बागवान जी ने कहा है सी चलिए देखते हैं क्या ये सही होगा या फिर गलत होगा गायत्री जी ने बताया बी ओके ना okay. एक सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन अगर आप देखोगे डेल्टा वैल्यू तो हमें निकालना नहीं है अब मुझे क्या करना है बस पेयरिंग एनर्जी होगी या नहीं फाइंड करना है ये किस तरीके से कर सकते हैं बस आपको पता होना चाहिए कि ये आपका हाई स्पिन है या फिर लो स्पिन है तो अगर आप देखोगे कोबाल्ट है मेरे पास कोबॉल्ट है प्लस टू चार्ज है तो ये क्या है आपके सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ये आ जाएंगे ऑक्टा ठीक है कॉन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी डी सेवन कॉन्फिग्रेशन आ जाएगी अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पर क्या होता चार्ज यहाँ पर चार्ज प्लस टू की जगह प्लस थ्री होता प्लस टू की जगह यहाँ पर क्या होता प्लस थ्री होता तो ये क्या हो जाता कोवॉल्ट प्लस थ्री होता तो ये डी सिक्स कॉन्फिग्रेशन देता मुझे और ये ऑक्टाहेड्रल होता और साथ ही साथ लो स्पिन होता ठीक है ये बातें आपको याद रखनी है इस तरीके से छोटी छोटी बातें क्या करती हैं हमें हेल्प करती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में ठीक है अब यहाँ पर तो प्लस टू है प्लस टू जब भी आपको डी सेवन मिलेगा ये क्या होगा हाई स्पिन होगा ठीक है अब मुझे क्या करना है यहाँ पर बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करना है डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट करने में अब मुझे क्या पता चल गया मेरा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होगा हाई स्पिन होगा या नहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस तरीके से फिल होंगे अब तो फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या दिख रहे हैं आपको दो पेयर दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बट यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा ये क्या है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और हाई स्पिन की चाहे जो भी कॉम्प्लेक्स हो उनमें आपको क्या नहीं मिलेगी पेयरिंग एनर्जी नहीं मिलेगी ठीक है हाई स्पिन का जो भी कॉम्प्लेक्स हो आपको उनमें पेयरिंग एनर्जी को फाइंड बिल्कुल भी नहीं करना है तो क्या हो जाएगा हाई स्पिन के लिए जीरो पेयरिंग एनर्जी रहेगी तो बस डेल्टा नॉट यहाँ पर सभी में सेम है तो बिना कैलकुलेशन के आपको क्या मिल गया सही आंसर मिल गया ठीक है और फिलहाल के लिए अगर आपको पेरिंग एनर्जी जानना है पेरिंग पेरिंग एनर्जी किस तरीके से फाइंड करनी है उस बारे में जानना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है तो हाई स्पिन इसका अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता हाई स्पिन में जितने आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मिलते हैं तो उसको क्या करना है आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से माइनस करना है ठीक है एक एग्ज़ाम्पल भी दिखा देता हूँ इसका ये है हाई स्पिन और सपोज़ कीजिए यहाँ पर ये लो स्पिन होता है डी सेवन क्या होता लो स्पिन अब मुझे क्या करना है जब भी हमें देखेंगे यहाँ पर क्या मिलते हैं मुझे लो स्पिन में ही मिलते हैं पेरिंग एनर्जी हाई स्पिन की कंडीशन में मुझे पेरिंग एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है अब ये किस तरीके से फिल होता है डी सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब यहाँ पर दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर है? हैं थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ठीक है अब थ्री माइनस टू यानी यहाँ पर क्या हो जाता है इस लो स्पिन के लिए मुझे वन पेयरिंग एनर्जी मिलती है। बट फिलहाल के लिए हाई स्पिन है तो यहाँ पर जीरो पेयरिंग एनर्जी होगी पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आएगा सी होगा सी राइट आंसर ए होगा रॉन्ग आंसर बी होगा रॉन्ग आंसर डी होगा रॉन्ग आंसर बताइए कितने लोगों के लिए ये बात क्लियर है मोनालिसा जी ने बोला है चलिए बहुत बढ़िया तिरुपति जी तृप्ति जी तृप्ति जी ने बताया बी तृप्ति जी ने बताया बी मुबशर जी ने बताया जी ठीक है मुबशिर जी ने सही बताया तृप्ति जी आई होप आपके सभी डाउट्स क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्लियर हो चुके होंगे ठीक है गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ओके तो ये है आपके ट्रांस इफेक्ट वाला क्वेश्चन ठीक है अब यहाँ पर अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, ये है आपका एल एल के रिगार्डिंग यहाँ पर अगर जो जो दी दिए उसके बेसिस पे अगर वो स्पेशस यहाँ पर होते हैं तो इसका सब्सटीट्यूशन की रेट आपको बताना है ठीक है रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन आपको बतानी है ट्राई कीजिएगा सभी लोग इस क्वेश्चन को सभी के आंसर आने चाहिए ट्रांस इफेक्ट घोष जी मैंने क्वेश्चन के पहले ही बता दिया था ट्रांस इफेक्ट का क्वेश्चन है आपको बस आंसर बताना है ठीक है ट्राई करिएगा क्या आ जाएगा आंसर बताइए चलिए गायत्री जी का आंसर आया डी ओके okay. गायत्री जी ने बताया डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए ट्रांस इफेक्ट जो सीरीज मिलती है उसके बारे में पता होना चाहिए कभी कभी इस रेट ऑफ सब्सिट्यूशन को भी क्या कहते हैं हम ट्रांस इफेक्ट और या फिर क्या कहते हैं काइनेटिक <coughs> इफेक्ट भी कहते हैं ठीक है अगर सपोज कीजिए यहाँ पर काइनेटिक इफेक्ट क्वेश्चन और यूज करके पूछ लेता आपको तब आपको यहाँ पर क्या होते है? दिक्कत होती है चलिए ओके ठीक है चलिए तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को नब क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ये क्या है आपके क्वेश्चन ट्रांस इफेक्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन आपके किस कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है ट्रांस इफेक्ट के बेसिस पे खड़ा है ठीक है अब पता होना चाहिए आपको ट्रांस इफेक्ट क्या होगा जितना ज़्यादा आपका लिगैंड का ट्रांस इफेक्ट होगा उसके ट्रांस जो एग्जिस्ट करता है लिगैंड उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा ज़्यादा होता जाएगा तो जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ तो रेट ऑफ एक्टिशन भी क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे ठीक है तो जितनी ज्यादा आपके लिगैंड की ट्रांस इफेक्ट उतने ही ज्यादा क्या हो जाएंगे आपके लिगैंड जो ट्रांस में एग्जिस्ट करते हैं वो ईजिली सब्सटीट्यूट हो जाएंगे ठीक है तो यहां पर क्या आता है कॉन्सेप्ट रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ठीक है रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांस इफेक्ट बस तो आपको अब यहाँ पर क्या होना चाहिए इन चारों का ट्रांस इफ़ेक्ट ऑर्डर पर रहना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर तो अगर आप देखेंगे ट्रांस इफ़ेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं इन चारों लिगैंड में इन चारों लिगैंड में सबसे पहला क्या आ जाएगा मेरा एच माइनस आ जाएगा ठीक है पहले आ जाएगा एच माइनस इसीलिए मैंने कहा कि आपको क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ट्रांस इफेक्ट या फिर ट्रांस इफ़ेक्ट की सीरीज़ को पता होना चाहिए फिर आ जाएगा आपका पीएच माइनस और सबसे लास्ट आ जाएगा आपका क्लोरीन एन तो ये है मेरी ट्रांस इफेक्ट की सीरीज और हमने क्या बताया हमने बताया कि ट्रांस इफेक्ट क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ सब्सिट्यूशन सबसे ज्यादा किसका ट्रांस इफेक्ट है एच माइनस का और अगर यहां पर एच माइनस होता तो सबसे ज्यादा क्या हो जाता इसका, इसका ट्रांस इफेक्ट यानी इसका ट्रांस इफेक्ट इंक्रीज हो जाता बॉन्ड बॉन्डलेंथ इंक्रीज हो जाता तो ये क्या हो सकते हैं इजीली सब्सटीट्यूट हो सकते हैं ठीक है इस तरीके का ऑर्डर कहाँ पर मिल रहा है देखिएगा सबसे पहले दिया है सी एस थ्री पी एल दिया है पी एच दिया है और एच माइनस आगे के आपको पता नहीं होते तो फिर भी आप क्या कर लेते हैं ईजिली इस, इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल लेते ठीक है गायस एच पी एच थ्री पी एच सी एल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गायत्री जी तृप्ति जी ने बताया यस सर ओके ओके चलिए गायत्री जी ने बताया था डी तो यस जिन जिन किसी ने यहाँ पर डी ऑप्शन को सेलेक्ट किया था उनका आंसर बहुत ज्यादा सही है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा चलिए अब आपको बताना है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ एम ई एम एन सी ओ फाइव विथ थर्टीन कार्बन ठीक है चलिए आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को फिर मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है चलिए मुबशिर जी का आंसर आया है सी मुबशीर ने बताया कि आंसर सी होगा राइट आंसर ओके बाकी लोगों के आंसर आने चाहिए बाकी लोगों को भी ट्राई करना है गाइस शुभजीत जी का आंसर आया है ए ठीक है सुभजीत जी ने बताया ए होगा सही आंसर ओके चलिए सब लोग ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को चाहे वो गलत हो या फिर सही हो बस आपको ट्राई करना है क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता चलते हैं तो मैं बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट गायत्री जी अलिया एट जी ने कहा है सी ओके तो यहाँ पर सी चुना है दोनों ने चलिए गाइस अब देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कॉम्प्लेक्स आपको मैंशन किया है वो आपका एटीन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है या फिर सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अगर सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता वो क्या करता असोसीटिव मैकेनिज्म से जाता बट अगर आपके एटीन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होंगे वो क्या करेंगे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाएंगे और अगर एटीन इलेक्ट्रॉन में वहाँ पर क्या है आपके फ्लगजिनल लिगैंड्स हैं जिस तरीके से लिगैंड मिलेंगे फ्लोरोनिल लिगैंड मिलेंगे वहाँ पर क्या होता एटीन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होता फिर भी वो क्या करता असोसीटिव मैकेनिज्म शो करता अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपके कॉम्प्लेक्स में वन इलेक्ट्रॉन एम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेवन एक कार्बोनिल के मुझे दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं पांच कार्बोनिल के मुझे आ जाएंगे टेन इलेक्ट्रॉन ठीक है अब ये कितने हो गए मेरे एटीन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एटीन इलेक्ट्रॉन या तो आपके डिसोसिएटिव मैकेनिज्म शो करनी चाहिए ठीक है चलिए लिख लेते हैं मेरे एटीन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ ठीक है यहाँ पर क्या है मेरा मिथाइल है अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा चार कार्बोनिल को इस तरीके से लिख निकलूंगा और एक और लिख निकलूंगा ये क्या है बताया मैंने ये है मेरा 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसी अब इसको ऐड करना है मेरे कॉम्प्लेक्स में तो ये इसको क्या होना पड़ेगा इसको होना पड़ेगा 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसी तब क्या हो सकती है इस कार्बोनिल की एडिशन हो सकती है इस तरीके से होगा यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर चले जाएगा यहाँ पर ठीक है या फिर यह चले जाएगा यहां पर दोनों में क्या होगा यहां पर माइग्रेशन और इंसर्शन रिएक्शन होगी ठीक है माइग्रेशन और इंसर्शन रिएक्शन शो होगी तो यह क्या आ जाएगा अब इस तरीके से आ जाएगा मेरा मॉलिक्यूल अब यहां पर क्या बचा मेरा एक अनकोऑर्डिनेटेड साइड बच गया अब ये अगर आप देखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है यह है आपके फोर यह है आपका एम एन ये देगा आपको एट प्लस सेवन प्लस वन यानि एट प्लस एट यानि ये कुल मिलाकर मुझे सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स का स्पीशीज मिलता है अब ये क्या कर सकता है अब यहाँ पर थर्टीन कार्बोनिल की एडिशन इस मॉलिक्यूल में आराम से हो सकती है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एम एन आ जाएगा यहाँ पर आ गया मेरा कार्बोनिल थर्टीन ये आ गया मेरा ग्रुप और ये आ गए मेरे चार कार्बोनिल ग्रुप तो मैं और एक तरीके से किस तरीके से लिख सकता हूँ चार कार्बोनिल प्रेजेंट है कार्बोनिल लिख दीजिए एम एन प्रेजेंट है एम एन लिख दीजिए थर्टीन कार्बोनिल प्रेजेंट है वो लिख दीजिए और क्या प्रेजेंट है मेरा पी ओ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इस तरीके से कहाँ मिल रहा है मुझे यहाँ पर देखिएगा कि ओ फाय है फाइ है तो ये आराम से चलेगा अब यहाँ पर बी हो डी होगा या तो फिर टी होगा क्या यहाँ पर पहले थर्टीन में इंसर्शन हो सकती है क्या पहले यहाँ पर थर्टीन कार्बोनिल इंसर्शन हो सकता है क्या एट एटीन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बिल्कुल भी नहीं तो ये हो जाएगा गलत ठीक है यहाँ पर भी थर्टीन है यहाँ पर भी थर्टीन है हमने क्या किया एक थर्टीन कार्बोनिल को इंसर्शन किया है पर यहाँ पर उन्होंने दो दिए है तो ये हो जाएगा गलत और सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी बताइए कितने लोगों के लिए ये बात क्लियर है फर्स्ट माइग्रेटरी इंसर्शन देन एडिशन ऑफ थर्टीन कार्बन बहुत बढ़िया सही भी बताया आपने तृप्ति जी माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन सुरेश जी ने बताया था सी मुबशिर जी ने बताया था डी पता नहीं उन्होंने लास्ट क्वेश्चन के लिए बताया या फिर इस क्वेश्चन के लिए बताया ठीक है चलिए फिर से आते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्या पूछा है आप देखिएगा आपको पूछा है आपको थ्री अल्किस दिए हैं ठीक है थ्री अल्किन्स दिए हैं वन टू एंड थ्री मैंशन किया है उनको रेस्पेक्टिवली आपको अच्छे से देख पा रहे होंगे रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन यूजिंग विल्किन सन्स कैटलिस्ट एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस अब तीन अल्किन्स आपको मैंशन करके दिए हैं उसमें आपको क्या बताना है रेट बताना है कि, कि किस अल्किन का रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा और किसका सबसे लिस्ट होगा ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को रमेश जी का आंसर आया रमेश जी ने बताया आई थिंक ए यस जीनत जी ने बताया डी ओके चलिए रमेश जी ने क्या बताया ए आ जाएगा बताया जीनत जी ने बताया डी होगा केतन जी ने बताया बी होगा चलिए सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं कोई सी भी बता दीजिए विजय जी ने बताया ए होगा ओके बहुत बढ़िया सभी ने क्वेश्चन को ट्राई किया है विजय जी का आंसर आया ए ओके शुभजीत घोष जी ने बताया डी ओके चलिए सुभजित घोष जी ने बताया डी ओके okay, सबसे पहले जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट मेरे अप्लाई होंगे ठीक है यस yes, चलिए जानते हैं कि यहां पर क्या कांसेप्ट्स अप्लाई होते हैं तो यहां पर आपको रेट ऑफ हाइड्रोजन पूछा है आपके विल्किनसन कैटलिस्ट को यूज करके इसमें अगर आप देखोगे एक खासियत होती है आपके विल्किनसन कैटलिस्ट की जो तो आपके लेसर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होंगे लेसर सब्सटीट्यूटेड अल्कि ठीक है लेसर सब्सटीट्यूटेड अल्किन या फिर डबल बॉन्ड लिख लीजिए इनकी क्या होती है रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है ज्यादा होती है कंपेयर टू डेट ऑफ मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कि मोर सब्सिट्यूटेड अल्कि यहाँ पर बस आपको सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट लगाना है बस आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा चलिए तो जानते हैं कि आपका इन तीनों अल्किन में से लीस्ट सब्सटेड एल्किन कौन सा होने वाला है तो अगर आप देखेंगे यस सर लास्ट का था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है इसको भी आपको ट्राई करना था रेट ऑफ हाइड्रोजेशन इज लो विथ हिंड्रेंस बताया मोनालिसा जी ने बताया डी मोनालिसा ने जी ने बताया डी चलिए देखते हैं किसका सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा तो ना बस आप क्या करना लेसर सब्सिट्यूटेड अल्किन को ढूंढना इसमें सबसे लेसर सब्सिट्यूटेड अल्किन कौन सा है आप मुझे बताइए ठीक है आपके लिए एक क्वेश्चन है मैंने पूछा आपको इन तीनों में से इन तीनों में से अलकिन में से आप मुझे बताइए कि लीस्ट सब्सिट्यूटेड अलकिन यहाँ पर कौन सा होगा चलिए सभी को बताना है चलिए शुभजीत जी ने बताया वन ओके शुभजीत जी ने बताया वन मैंने क्या पूछा आपको मैंने पूछा कि इन तीनों में से इन तीनों अल्किन में से जो आपको यहाँ पर मेंशन दिख रहे हैं उनमें से लीस्ट सब्सिट्यूटेड अल्किन कौन सा होने वाला है विजय जी ने बताया वन राहुल जी ने बताया वन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो यहाँ पर सिंपल सी बात है अगर ये होंगे आपके सबसे लीस्ट सब्सटीट्यूटेड अल्किन तो जाहिर सी बात है कि इनका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी क्या होगा मोर होगा ठीक है चलिए जीनत जी ने बताया वन गायत्री जी ने बताया वन ठीक है सभी ने सही बताया कि जो आपका लीस्ट सब्सटिट्यूटेड अलकिन है वो है आपका वन ठीक है ये है आपका लीस्ट सब्सिटीट्यूटेड अलकिन और जो आपका लीस्ट सब्सटिट्यूटेड अलकिन होगा उसी में क्या होगा यहाँ पर उसी में सबसे ज़्यादा मुझे मिलेगा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन वन आई एम यूजिंग माई Wilkinson's कैटलिस्ट ठीक है वेन आई एम यूजिंग माई Wilkinson's कैटलिस्ट तो so, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन मुझे किस में मिला वन में मिला कहाँ पर है वन वन है वन है टू है और टू है ठीक है टू और टू को एलिमिनेट कर दीजिए अब बात आती है सेकंड और थर्ड के बीच में चलिए अब मुझे बताइए सेकंड और थर्ड के बीच में कंपटीशन है कि कौन सा आपका अल्कि या तो टू है या तो फिर थ्री है जो मोर सब्सट्रेटेड मिलेगा ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मैं मोर सब्सिटीड की बात कर रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड हैव सेम है ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट को आंसर क्या आता है टू में बताया कि सबसे ज्यादा सब्सटिट्यूशन प्रेजेंट है ओके okay. चलिए बाकी लोगों को भी ट्राई करना है जीनत जी ने बताया वन सॉरी थ्री मोनालिसा जी ने बताया वन चलिए तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है मेरे डबल बॉन्ड ठीक है ये है मेरे डबल बॉन्ड अब इनमें अगर आप देखोगे ये है मेरा कार्बन ये है मेरा कार्बन इस कार्बन पे अगर आप देखोगे एक हाइड्रोजन है और एक मेरा ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन पे अगर आप देखोगे एक कार्बन है और एक मेरा ग्रुप अटैच्ड है बट यहाँ पर अगर आप आओ ये है मेरा कार्बन ये है मेरा कार्बन यहाँ पर एक ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन पे यहाँ पर एक ग्रुप अटैच्ड है बट यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर इस कार्बन के लिए एक और ग्रुप अटैच है तो मतलब ये क्या हो गया आपका थ्री नंबर वाला अल्किन मोर सब्सिटीट्यूटेड हो गया मोर सब्सटीट्यूटेड हो गया आपका तीन नंबर वाला अल्किन तो ये है मोर सब्सटीट्यूटेड मतलब इसकी क्या होगी लीस्ट रेट होगी या लीस्ट रेट होगी ठीक है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा लीस्ट होगा सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए थ्री आना चाहिए कहां पर है थ्री ठीक है तो इस तरीके से आपको क्या करना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था मिस्टेकली आई हैवटेड माय ओबीसी सर्टिफिकेट ऑफ अनदर फॉर्मेट बिदन जी कह रहे हैं उन्होंने गलती से कोई और फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड किया है आई थिंक बिदन जी आपको विंडो मिलता है आपके करेक्शन का ठीक है आपके करेक्शन विंडो जब ओपन हो जाएंगे तब आप उसको चेंज कर सकते हो आई थिंक बट अगर नहीं होते फिर भी आप क्या करना टेंशन नहीं लेना कोई बात नहीं चल जाएगा ठीक है मोनालिसा जी ने बताया टू ठीक है विधन जी डैडी एंकी जी ने बताया वन ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन थ्री ठीक है सही बताया तृप्ति जी ने बताया था ए आई थिंक तृप्ति जी आपके सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे ओके okay. चलिए बहुत बढ़िया तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यहाँ पर क्या दिया है आपको द मेटल आयन एंड द साइक्लिक कैलिटन प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट ठीक है ग्रीन पिगमेंट ऑब्वियसली क्या होता है आपका क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल में आपको बताना है कि कौन सी आपकी रिंग प्रेजेंट होगी और कौन सा उसके सराउंडिंग मेटल प्रेजेंट होगा ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को सभी के आंसर आने चाहिए जी आप भी ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को चलिए जीनत जी का आंसर आया ए जीनत जी ने बताया ए होगा सुरेश जी ने बताया है ए शर्मा जी ने बताया है चलेगा गायत्री जी ने बताया ए रमेश जी ने बताया डी किशोर जी ने बताया बी तृप्ति जी ने बताया वन चलिए अलग अलग तरीके का आंसर मिले हैं जानते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा डैडी अंकी ने बताया ए ओके okay. चलिए देखते हैं क्या सही आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का सुनाओ अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा है आपको ग्रीन पिगमेंट दिया है तो ऑब्वियस सी बात क्या होगी आपके क्लोरोफिल होंगे और तो क्लोरोफिल में जो मेटल आइटम या फिर मेटल आयन प्रेजेंट होता है वो होता है मैग्नीशियम तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ठीक है मैग्नीशियम आ जाएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन तो इसके सराउंडिंग अगर आप देखोगे तो चार क्या रहेंगे आपके फाइव मेंबर्ड रिंग रहेंगे इस तरीके ठीक है ये हो गया आपका यस ये हो गया आपका लिगेंड और उसका सेंट्रल मेटल आए तो यहाँ पर क्या है आपका मैग्नीशियम प्रेजेंट है मैग्नीशियम यहाँ पर प्लस टू चार्ज में प्रेजेंट रहता है और इस रिंग को हम क्या कहते हैं क्लोरीन रिंग कहते हैं इस रिंग को हम कहते हैं रिंग रिंग। तो सिंपल सी बात है तो ऑप्शन ए होगा आपका सही जवाब ठीक है तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बस आपको चीजें पता होनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ठीक है जी ने बताया ए विजय जी ने बताया डी विजय जी ने बताया डी पॉफरीन आपको यहाँ पर नहीं मिलती है जी ओके रिंग आपको कोबाल्ट कोबॉल्ट केस में मिलती है क्लोरिन रिंग आपको मैग्नीशियम के केस में मिलती है पॉर्फरिन रिंग आपको कहाँ पे मिलती है आपके हीमोग्लोबिन या फिर आयरन जिससे जुड़े होते हैं उसकी केस में मिलती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ओके ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है ठीक है इसको आपको ट्राई करने में मजा आएगा एफ ई बहुत बढ़िया शर्मा जी ओके चलिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मेरा आपको स्पाइनल मेंशन किया गया है और यहाँ पर आपको क्या बताया क्यूबिक क्लोज पैक इसका स्ट्रक्चर होगा अरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइड्स द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहाड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइड्स अक्यूपाइड बाय कैटाइम्स चलिए आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को ट्राई करने में तृप्ति जी कह रहे हैं थ्री मोर सब्सुएटेड बट टू इज ट्रांस बिकॉज ऑफ रेट ऑफ टू इज जी जी तृप्ति जी आप वो भी कॉन्सेप्ट लगा सकती हैं यहाँ पे डैडी अंकी जी का आंसर आया डी ओके डैडी अंकी जी ने बताया डी आई होप तृप्ति जी आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा जो भी हमने अभी बताया <coughs> ओके सभी के आंसर आने चाहिए यहां पे नॉर्मल स्पाइनल है ओके ग्रेट चलिए आंसर्स बताइए सभी लोग क्या आ सकता है इसमें आंसर ओके okay, चलिए रमेश जी ने बताया सर प्लीज गो थ्रू वंस दैट क्वेश्चन ओके रमेश जी आपको ये क्वेश्चन के बारे में जानना है क्या अगर यस इस क्वेश्चन के बारे में मैं फिर से इसको मुझे रिपीट करना है तो आप यस करके बताइए पल्लवी जी का आंसर आया सी ओके okay. रमेश जी डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट दिस क्वेश्चन गायत्री जी सी जीनत जी सर यस सर एक्सप्लेन ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको स्पाइनल मेंशन किया गया ठीक है स्पाइनल मेंशन किया गया है ये अलग बात है कि ये इस तरीके का स्पाइनल होगा ठीक है अब यहाँ पर स्पाइनल के साथ आपको क्या मेंशन किया है आपके इस तरीके से यूनिट सेल में ये एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है ये है आपका क्ल्यूबिक क्लोस्ड पैक अरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइड आयंस ठीक है तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपके जो चार ऑक्साइड आयन है और जो आपके मेटल आयंस है वो क्या कर रहे हैं क्यूबिक क्लोज पैक में टाइप के यूनिट सेल में एग्जिस्ट करते हैं अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्यों भी क्लोज पैक है तो वहाँ पर ऑब्वियस बात क्या होगी ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहैड्रल वाइट्स या फिर साइड्स आपको मिलेंगे उनमें आपको बताना है कि, कि कितने साइट्स आपके ऑक्यूपाइड हैं और कितने साइट्स आपके अनऑक्यूपाइड हैं इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा गया है ओके तृप्ति जी का आंसर आया है ए चलिए मोनालिसा जी का आंसर आया है सी ओके ग्रेट ठीक है चलिए तो फिर सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को चलिए ना अगर आप देखेंगे ये है मेरा स्पाइनल इस तरीके से एग्जिस्ट करता है ये मेरा स्पाइनल ये बात जान लीजिए आप ये है आपका एम जी प्लस टू ए एल प्लस थ्री टू टाइम्स एंड ओ फोर अब यहाँ पर देखो तो मैं इसको जनरल फार्मूला के वाइस लिख लेता हूँ ओ फोर ये क्या है प्लस थ्री वाले हैं और ये हैं आपके प्लस टू प्लस टू क्या करते हैं आपके प्लस टू वाले जो आयन्स होते हैं कैटाइन्स होते हैं या फिर मेटल आइटम्स होते हैं वो आपके टेट्राहेड्रल वाइट्स या फिर साइड्स में एग्जिस्ट करते हैं ठीक है अब यहाँ पर बी टू अगर आप देखेंगे तो ये आपके ऑक्टाहेड्रल वाइट्स में एग्जिस्ट करते हैं और O4 की बात तो रह गई ठीक है O4 को छोड़ दीजिए ठीक है अब ये बात मुझे पता चल गई अब यहाँ पर एक और हिंट दिया आपको कि सी सी पी अरेंजमेंट होने वाली है तो अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे सी सी पी में क्या होते हैं आपके ये आपको थोड़ी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ठीक है सॉलिड स्टेट और स्पाइनल स्ट्रक्चर का उन्होंने कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर क्वेश्चन दिया है टीसीपी अगर आप देखेंगे इसमें क्या होते हैं आपके फोर ऑक्टाहाड्रल वाइट्स होते हैं और टेट्राइड्रल वाइट्स की अगर मैं बात करूं ये क्या हो जाते हैं इसके डबल रहते हैं आपके टेट्राइड्रल वाइट्स तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने आ जाएंगे एट आ जाएंगे ठीक है एट टेट्राइड्रल वाइट्स और फोर ऑक्टाहेड्रल वाइट्स आ जाएंगे ठीक है अब ये बात पता चल गई मुझे ये बात भी पता चल गई कि मेरा मैग्नीशियम कहाँ पर रहेगा ऑक्टाहेड्रल वाइड में रहेगा सॉरी टेट्राहेड्रल वाइड में रहेगा क्योंकि जो ए टू प्लस टाइप ऑफ कैटाइन रहता है वो आपका टेट्राहेड्रल वाइड में एग्जिस्ट करेगा ठीक है अब यहाँ पर कितने मैग्नीशियम है मेरे 1, एक मैग्नीशियम है कितने मेरे टेट्राहेड्रल वाइट्स हैं एट टेट्राहेड्रल वाइट्स हैं ठीक है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कितने मेरे अलूमिनियम कैटायन है दो तो अलूमिनियम कैटायन है और कितने यहाँ पर टेटराइड ऑक्टाहाड्रल वाइट्स हैं फोर ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स हैं अब बस आपको क्या करना है इनकी फ्रैक्शंस निकालनी है मतलब आठ में से कितने हो सकते हैं एक ऑक्यूपाई करेगा तो यहाँ पर क्या बताया उन्होंने द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहाड्रल साइट्स एंड टेट्राइड्रल साइट्स तो आठ में से क्या हो रहे हैं आपके एक साइड क्या कर रहे हैं आपके मैग्नीशियम अटुपाई कर रहे हैं आठ साइड में से और अगर आप अल्यूमिनियम की बात करें दो अल्यूमिनियम क्या कर रहे हैं आप दो साइड अक्यूपाई कर रहे हैं टोटल कितने साइड्स में से फोर साइड्स में से तो ये मिल गया मुझे फ्रैक्शन बट सपोज कीजिए यहाँ पर वो क्या करते हैं परसेंटेज वाइज पूछते तो सिंपल सी बात है बस आपको क्या करना था इसमें हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देना था ये कितना आ जाता आपका अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व पॉइंट कुछ तो परसेंटेज आ जाता और यहाँ पर ये आ गया वन बाई टू वन बाई टू फ्रैक्शन के लिए परसेंटेज वाइज अगर पूछेंगे तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा फिफ्टी परसेंट तो कुल मिलाकर आपके ऑक्टा हेड्रल्स फिफ्टी परसेंटेज ऑक्युपाइड है और पेट्रा हाइड्रल्स टूवेल्व पॉइंट फाइव परसेंटेज ऑक्युपायड है ठीक है यस ट्वेल्व पॉइंट फाइव आ जाएगा यस yes. बट आपको फ़िलहाल बस यहाँ के लिए आपको क्या बताना था फ्रैक्शंस बताने थे वन बाय एट आपके मैग्नीशियम के लिए जो आपके टेट्राहेड्रल बाइट्स है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का कितना आना चाहिए वन बाई टू ऑक्टाहाइड्रल का कहाँ पर वन बाई एट है वन बाय फोर है वन बाय टू है वन बाय टू है ए गया बी गया टेट्राहेड्रल की कितने बताया मैंने वन बाय एट बताए थे वन बाय फोर है वन बाई एट है ये गया तो ये आ जाएगा डी आपका आंसर सही होगा बताइए कितने लोगों के लिए ये बात क्लियर है ऑफ टेट्राइडल वाइट्स है सर एक बार सभी बता दीजिए क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी के लिए चलिए बहुत बढ़िया शर्मा जी गॉट इट सर क्लियर सर बहुत बढ़िया ठीक है अगर परसेंटेज वाइज अगर पूछ लिया तो आप बस ट्रैक्शन जो मिलती है आपको वैली उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए हंड्रेड से तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज वाइस चलिए बहुत बढ़िया शबनम जी ने बताया एस ओके ग्रेट ठीक है चलिए ठीक है तो ये थे आपके गेट टू थाउजेंड इनऑर्निक पोर्शन ठीक है आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो चुके होंगे और तो आपको मजा आया होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ओके चलिए दोस्तों थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और यहाँ पर नेक्स्ट सेशन भी होगा आपका सेवन पी से और केतन सर करेंगे उसको एंगेज ठीक है वो आपके साथ क्या करेंगे क्लेडन्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके डायरेक्टली गेट में आ सकते हैं ठीक है अगर आप देखो तो हर बार आपको क्या मिलते हैं मिनिमम टू क्वेश्चन डायरेक्टली आपको क्लेडन या कैरोथर से इजीली मिल जाते हैं ठीक है तो उसको आप अटेंड करना आपको भी उसमें भी बड़ा मज़ा आएगा ठीक है चलिए तो, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में and thank you everyone and happy learning to all of you